जय भीम, जय भारत। आज अंबेडकर जयंती, ग्लोबल अंबेडकर जयंती 2020 में सभी का स्वागत है। हम हर बार अलग अलग विषय पर अलग अलग व्यक्ति को जो समाज में काफी काम कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग जगह पर, तो उनको बीच आपके बीच में हम हमेशा ही लेकर आते रहते हैं। तो आज आप सभी को पता ही है, हमारे बीच दिल्ली से डॉक्टर कौशल पनवार जी है, जिनके बारे में सभी जानते ही है, और दूसरे हमारे साथ डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी है जो लंदन से है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा हमारी है, जो जितनी भी है, वो फुले अंबेडकर विचारधारा पर ही रहेगी। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम मिलते हैं डॉक्टर कौशल पवार जी से। डॉक्टर कौशल पनवार जी, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आप सबको, आप सभी के दर्शकों को मेरा जय भीम। जी जी, तो श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय जय भीम भारत श्रीकांत जी, जी। जय भीम, जय भीम जी, जी, जय भीम भारत। तो हम आज की चर्चा का विषय हमारा रहेगा अंबेडकर विचारधारा पर, जो हमारे आज की स्थिति है उस पर ही हमारे ज्यादातर विचार है। तो उसी को चलते हुए सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम का एक उद्देश्य रखा हुआ है कि जितने भी ग्लोबल लेवल पर हमारे, जितने भी यहाँ पर भी अंबेडकर आइड है, उन सभी को एक दूसरे के रूबरू कराना। तो उसी उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कौशल पवार जी के बारे में जानना चाहते हैं। पहले कि हमारा हमेशा पहला यही क्वेश्चन रहता है कि जो व्यक्ति के को हम सुन रहे हैं, वो व्यक्ति खुद खुद उनका समाज में क्या योगदान है, उनका संघर्ष कैसा रहा है समाज के लिए, जो दूसरे लोग जो हमारे नए आने वाले हैं, नए युवा या हमारे जैसे जितने भी युवा है, उनको प्रेरित कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर कौशल पनवार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं पहले कि अगर हम थोड़े शब्दों में देखे जाए तो कौशल पनवार जी आखिर है क्या, तो उनका क्या संघर्ष है, क्या समाज के लिए, समाज को योगदान रहा है जिससे लोग आगे भी और भी प्रेरित हो। थोड़े शब्दों में अगर कहना चाहे तो डॉक्टर कौशल पनवार जी अपने बारे में जरूर बताएं। रंजीत जी, मैं अपना परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों से देना चाहूंगी आप सबके सामने। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ को अनर्थ से घृणा करता हूँ, और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो उन्हें अपनाते हैं, वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इन भावों को अपना वास्तविक बल और शक्ति मानता हूँ। डॉक्टर कौशल पवार का भी एक तरह से यही परिचय है। जितनी मेरी आलोचना की गई, जितना एक तरह से मेरा मतलब एक तरह से चारों तरफ से घेरा बनाया गया, तो डॉक्टर कौशल्या से कौशल तक का सफर मैंने उसी बल और शक्ति के मुद्दे पर अड़िग रहकर, और मेरे चाचा, मेरे फादर साहब जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी माता जी जो आज इस दुनिया में नहीं रही है, आप पीछे देख सकते हैं मेरी माता जी मेरे पास में बैठी हुई है, तो मैं मान ही नहीं सकती वो नहीं मेरे पास से गई। मेरी शक्ति बेसिकली मेरे ये दोनों जो पिलर हैं ये रहे हैं, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो जो रास्ता मुझे दिखाया, उस रास्ते पर चलकर आज मैं आप सबके सामने हूँ, और आई वॉन्ट टू पे बैक माई सोसाइटी। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि परिचय तो इस तरीके से भी होता है, और आप बिल्कुल जीवन संघर्ष के बारे में अगर दो तीन लाइनों में जानना चाह रहे हैं तो वो इतना संभव मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि जिंदगी के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। असल में ये जिंदगी के थपेड़े ही थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते तक मैं पहुंच पाई। हो सकता है मैं भी सामान्य एक स्त्री की तरह घर पे रहती, पढ़ती लिखती, नौकरी करती आराम से, लेकिन जिस तरीके से, जिस आग से कूद के मैं बाहर निकली हूँ, जिस तरीके से मुझे एक तरह से तपाया समाज ने भी और मेरे अपने संघर्षों ने भी, उसने बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते को पर चलने के लिए तय मुझसे करवाया है। तो इसलिए मेरा बस इतना सा ही परिचय है। मैं कोशिश जी करूंगी कि बाबा साहब भीमराव कौशल जी, अंबेडकर मैं आपसे जी थोड़ा सा इसमें थोड़ा और ऐड करवाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप एक लाइन या दो लाइन में और बताइए कि आप कहाँ से का स्टार्ट हुए, यानी कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा गांव में, सिर्फ एक दो लाइन में आप बताने की कोशिश करेंगे तो अभी आपका एजुकेशन स्तर पर और आप कहाँ पर है पढ़ा रहे, उसके बारे में जरूर बताएं। जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ, हालांकि आज तो बड़ा गांव बन चुका है, राजौंद उसका नाम है, कैथल जिले में आता है, और शैक्षिक स्तर पे अभी भी एक तरह से बहुत ज्यादा उसने तरक्की नहीं की है, लड़कों की शिक्षा के मामले में तो और ज्यादा। मैंने वहां से स्कूलिंग अपनी की है, ग्रेजुएशन मैंने कैथल जिले से की है, फिर देन
मैंने अपना एमए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, फिर मैंने एमफिल अपना रोहतक यूनिवर्सिटी से किया है, करनाल से मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, देन एमफिल किया रोहतक यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरा जेएनयू तक मैं पहुंची हूँ, और मैंने जेएनयू में धर्मशास्त्रों में शूद्र विषय पर मेरा शोध रहा है। मैंने जेएनयू के विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केंद्र से मैंने अपना पीएचडी संस्कृत में किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो जो पीता है वो दहाड़ता है। बस एक तरह से मैं अपने परिचय में, संक्षिप्त परिचय में ये कहूंगी कि पीएचडी करने के बाद 2012 में मुझे जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिन्ह पदचिन्ह पड़े होंगे उनको देखने का, उनको छूने का सौभाग्य एक तरह से मिला, अवसर मुझे मिला 2012 में। उसके बाद 2013 में, 2014, देन फ्रांस, लंदन, जनेवा, यूएनओ, यूएसए का यूएनओ, जनेवा का यूएनओ, और देन मलेशिया, जापान और स्पेन, तमाम देशों की फिर यात्राएं, मतलब शैक्षिक स्तर पे और सामाजिक आंदोलनों के बीच में होते हुए मेरा ये एक तरह से, मैं जितना भी कर पाई हूँ ये मेरा परिचय है, संक्षिप्त परिचय। जी, जी थैंक यू। आपने बहुत, क्योंकि आपके बारे में जितना जानो बहुत, उसके लिए हम पूरे का पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं आपके संघर्ष के बारे में, बिल्कुल इसीलिए इसमें मैंने कोई शक बहुत नहीं है। संक्षिप्त तो में आप सबके दर्शकों आपने को बताया। बहुत कम शब्दों में अपने बारे में बताया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जितने भी या जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, तो उन सभी को कम शब्दों में आपके बारे में काफी कुछ पता चल गया है कि आपका कितना संघर्ष रहा। और हमारे साथ दूसरे हैं डॉक्टर श्रीकांत बोरकर जी, ये भी लंदन से इन्होंने पीएचडी की हुई है। तो श्रीकांत बोरकर जी, हम आपके बारे में तो वैसे जानते ही हैं हम सभी, तो हम चाहते हैं कि एक दो शब्द लाइनों में आप भी अपने बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद रंजीत जी। सबसे पहले आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल भीम जयंती 2020 के मेरे बारे में पहली बार पूछा, बताने का मौका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कहावत है कि हाथी के पैर में सभी जानवरों के पैरों के वो निशान उसमें समा जाते हैं, आ जाते हैं। हाथी का पैर सबसे बड़ा होता है। और उसी दृष्टिकोण से बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनका जो एक त्याग बलिदान, उनकी जो हमारे उत्थान के लिए जो कसमसाहट रही है, और जब मैंने नानक चंद्र दत्तू जी की उनकी जो किताब पढ़ी द अननोन फैक्ट्स अबाउट बाबा साहब, द लास्ट डेज ऑफ बाबा साहब, तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसीलिए मैं सामाजिक तौर पर, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं के बीच में अपने बारे में बताने से बहुत परहेज करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन जैसा डॉक्टर परमार जी ने बताया कि हम सभी लोगों की, जो बाबा साहब के दूसरी या तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग हैं, उनकी जो लाइफ ट्रेजिक्टरी एक जैसी रही है, जो कि झोपड़ियों से उठे हैं और उन्हीं परिस्थितियों से उठकर बाबा साहब जैसे दीप स्तंभ को देखते 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 हमारे जीवन में आया, उन मकामों तक तो पहुंची है जहां बाबा साहब पहुंच चुके थे। और इतना बहुत बड़ा बात नहीं है। दूसरी बात, मैंने बाबा साहब के आंदोलन में काम करते करते, जब मैं मोहल्ले में काम कर रहा था, तो उस वक्त बाबा साहब के जीवनी पढ़ने में आई, उसके बाद में उनका जो लोकोत्तर कार्य है वो देखने को मिला, पढ़ने को मिला, जानने को मिला, पढ़ने से ज्यादा जानने को मिला। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अगर बाबा साहब की बात करनी है तो बाबा साहब के जैसा ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के जो बुद्धि होती है वो निरंकुश होती है, और वो ऊर्जा भी निरंकुश होती है जो गलत दिशा में भी जा सकती है। और इसीलिए एक प्रोफेसर गना अलोयशियस थे दक्षिण भारत के, जिन्होंने नेशन विदाउट नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म विदाउट नेशन नाम की एक बहुत ही प्रख्यात किताब लिखी है। उन्होंने उनके मेंटरशिप के तहत मैं फिर यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में आया, और मैंने एंथ्रोपोलॉजी में मेरी पीएचडी करी, मास्टर्स की है और बाद में पीएचडी भी करी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उस ज्ञान का उपयोग मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ और करूंगा, और वो समाज के लिए उपयोग करना, ये मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं अधोरेखित करना चाहूंगा। डिग्रियां मिलाना, डिग्रियां हासिल करना या नौकरियों पर लगना, ऊंचे ऊंचे मकाम पर जाना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस मकाम का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो, ये इसलिए मैं उस पर ये मैंने किया है, और यही मेरी छोटी सी उपलब्धियां हैं। जी बिल्कुल, श्रीकांत बोरकर जी, आपने अच्छे से बताया कि आपके बाबा साहब के आंदोलन को कैसे समझते हुए, कैसे मोमेंट में आए, और कैसे बाबा साहब के एक विचार एजुकेशन पर, उस पर काफी अच्छे से काम किया।
एनीवे हम आगे आपके बारे में और भी जानेंगे, आगे वाले प्रोग्राम में भी जानेंगे, अभी भी इस प्रोग्राम में भी जाने की और भी कोशिश करेंगे। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आज हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि पहले हमें आप सभी को पता ही है जैसे रिजर्वेशन पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्योंकि हम आप फूले अम्बेडकर विचारधारा को आज के उपलक्ष्य में हम मना समय को ध्यान में रखते हुए भी बात करेंगे जितनी भी आज की बात है। तो क्योंकि आप मैडम दिल्ली में आप भी समय समय पर संघर्षों में हमेशा रहे हैं, पहले जो है वो टीचर का एक टीचर का कुछ वहां पर मुद्दा चल रहा था, उसमें भी हमने आपको देखा फ्रंट लाइन पर आप काम कर रहे थे, सभी जितने दिल्ली मंडल जी आप हुए। तो उसी उपलक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन पर जो निर्णय आया है उस पर आप क्या विचार रखते हो, यानी कि वो पहले तो हमें थोड़ा सा उस निर्णय के बारे में जरूर बताएं कि वो निर्णय आखिर आया क्या है, और उसके बाद में आप अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जी जी रंजीत कौशल जी, भवन मैं आपके सवाल के जवाब से पहले एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगी और मैं श्रद्धांजलि आदरांजलि भी देना चाहूंगी। अभी पिछले दिनों, जस्ट अभी की बात है, रिसेंटली हरियाणा का एक लड़का था, रमन वाल्मीकि, मेरी उसकी मैं आदरांजलि अर्पित करती हूँ उनको। वो कस्टडी में उसकी हत्या हुई, एक तरह से उसकी डेथ हुई। हालांकि जो रिपोर्ट दी गई वो ये कहा गया कि फूड पॉइजनिंग उसमें हुई। उसका मसला क्या था ये भी देखने की जरूरत है। ये मैं आपको इसके ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, जो अभी जिसमें जी 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 आपने जिक्र किया कोर्ट के डिसीजन का। तो जो रमन वाल्मीकि जो लड़का है वो बहुत स्ट्रोंग था, और पिछले दिनों जिस तरीके से झगड़ा हुआ, उस झगड़े के तहत उसके ऊपर FIR दर्ज की गई। और एक तरह से मैं ये नहीं कहती कि झूठा केस था या सच्चा था, वो तो इंक्वायरी का सवाल है, सरकार को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन ऐसे हमारे नौजवान जो समाज के लिए डट कर काम करते हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, मैंने स्पेसिफिक जाति का नाम लिया क्योंकि उसका नाम ही यही था, वो किसी भी जाति का हो सकता है, बहुजन समाज का। और वो जिस तरीके से कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है, भले ही आप कहें कि फूड पॉइजनिंग के माध्यम से हुई, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ ठहर के सोचने की जरूरत है। अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर। मेरी आपके चैनल के माध्यम से, ग्लोबल अम्बेडकर राइट चैनल के माध्यम से ये मांग भी है कि CBI इंक्वायरी कम से कम इसके ऊपर होनी चाहिए कि हमने एक होनहार लड़के को, जो बिल्कुल यंग था, कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस कस्टडी में फूड पॉइजनिंग से इतना यंग नौजवान लड़का मर जाता है, ये अपने आप में ही हैरानी की बात है। तो मेरी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी जानी चाहिए, और जो जो कास्ट के तहत, जिस तरीके से झगड़े के तहत उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है, हमें कम से कम संदेह है कि उसी के तहत उसकी हत्या भी हुई है। उसके पीछे का जो केस है वो ये कि कुछ अपर कास्ट के लोग होली वाले दिन बस्ती में घुसे और वो निके यहाँ गए, आपस में झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद FIR दर्ज हुई। हमारी आपत्ति ये है कि कस्टडी में डेथ हुई, झगड़ा क्या था वो जी इंक्वायरी का भी। मैं अभी आपको ले चलती हूँ कि ये जो आपने जो सवाल मुझसे पूछा है सीधा, हाल फिलहाल का आरक्षण से पहले, आज हम कोरोना वायरस के, पूरी दुनिया, न केवल भारत, पूरी दुनिया पीड़ित है। ऐसे में किसी कोर्ट का डिसीजन आना अपने आप में ही हमें ठहर के सोचने के लिए मजबूर करता है। श्रीकांत जी मेरी बात से सहमत होंगे कि पिछले दिनों से SC ST एक्ट, रोस्टर सिस्टम, रविदास गुरुघर की जमीन का झगड़ा था वो, और अब जिस तरीके से कोरोना का संकट है, ऐसे संकट में ST का केस जो पिछले 21 साल से कोर्ट में पेंडिंग था, उसका एक तरह से निर्णय आना कि आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति उन इलाकों में नहीं हो सकती जो केस पेंडिंग था कि होने चाहिए आदिवासी इलाकों में आदिवासी टीचर्स की नियुक्ति, वो अब डिसीजन दिया कोर्ट ने कि आप आदिवासी की नियुक्ति होना कोई जरूरी नहीं है, एक तरह से नियुक्तियों को निरस्त किया गया है। एक ये डिसीजन है। दूसरा डिसीजन हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन की, ये भी रिजर्वेशन का सवाल है, ST का डिसीजन आपके सामने, ये कोर्ट की एक तरह से अपना 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 डिसीजन है। अभी जो दूसरा जो करंट, जो आपने मुझसे सीधा सवाल पूछा था जिसका मैं आप जवाब देना चाहती हूँ, वो ये आरक्षण का। लगातार पिछले दिनों से भी, नो डाउट कोई भी सरकार रही हो, मैं करंट गवर्नमेंट की ही चर्चा नहीं कर रही इसमें, पिछली सरकारों का भी यही हाल था, बैकलॉग पिछली सरकारों ने भी नहीं भरा था हमारे टीचर्स का, या नौकरियों में जितना भी बैकलॉग SC ST OBC का बनता था।
तो सरकार प्रशासन तंत्र की जो मंशा रही है रिजर्वेशन को लेके, वो अपने आप में ही हमेशा अन्यायकारी रही है। उसने कभी भी उनके द्वारा ही पॉलिसी निर्मित जो की गई है उसको भी इम्प्लीमेंट ईमानदारी से नहीं किया। और हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशन के बल पे ही हम लोग यहाँ शिक्षण संस्थाओं में आज बैठे हैं। अगर रिजर्वेशन ना होता तो हम लोग यहाँ ना बैठे होते और हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात क्वेश्चन पावर यहाँ नहीं कर रही होती। तो लेकिन इसकी सबसे जो चिंता रही है सबसे ज्यादा, कि रिजर्वेशन उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिन तक पहुंचना चाहिए। इसकी चिंता वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसीज को कभी भी ईमानदारी से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, शिक्षण संस्थाओं में, मीडिया में, इंडस्ट्री में, और तमाम जो जो हमारे जो जीवन के जो क्षेत्र हैं उस सभी क्षेत्रों में, आर्मी हो, नेवी हो, मेडिकल हो, एम्स की रिपोर्ट आप सबके सामने है, सार्वजनिक है, बाकायदा MHRD की रिपोर्ट आपके सामने, मैं बता सकती हूँ क्या है आंकड़ा। उस आंकड़े पे मैं आने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल का जो डिसीजन है उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हम एक तरह से SC के रिजर्वेशन की समीक्षा करेंगे। ये शब्द बहुत पक चुके हैं हम लोग इससे ना, कि समीक्षा करेंगे। सीधी सी बात ये है कि रिजर्वेशन के ऊपर एक तरह से पीछे के दरवाजे से हमला तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वो जो लेयर्स हैं, हालांकि वो लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, हम लोग ये तय करेंगे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है, जो पहले से भी कई स्टेट में लागू रही है और जिसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं, जो विद इन SC था रिजर्वेशन, वो पॉलिसी कोई खराब पॉलिसी नहीं थी। इसमें हमारा पूरा दलित जिसको हम बोलते हैं वो भी कायम था, और हमें उस हिंसे तक भी हिंसेदारी हमें मिल रही थी। हरियाणा में जो SC A और B का लेयर्स था बहुत उससे फायदा हुआ लोगों को। पंजाब का रिजर्वेशन उठा के देख लीजिए आप, श्रीकांत जी मेरी बात से सहमत होंगे, ये जो पहले से ही इम्प्लीमेंट है उसमें क्या दिक्कत है? आपने उसको तो उसको भी आपने तो फुलफिल नहीं होने दिया। अब कोर्ट के माध्यम से ये आया है कि हम उसकी समीक्षा एक तरह से करेंगे, हालांकि डिसीजन अभी नहीं आया, अभी डिसीजन आने वाला है, आया नहीं है, अभी पेंडिंग है। तो ये ST वाला आ चुका है, इस पेंडिंग डिसीजन में भी मेरी जानकारी के अनुसार, हो सकता है मेरे को जानकारी का अभाव हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि रिजर्वेशन की समीक्षा की बात चल रही है। लेकिन साथ ही साथ ये कोर्ट ने अभी तक नहीं बताया, या हम लोग जिसके लिए सबसे ज्यादा चिंतित है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में हूं कि वंचित तबका, जिसको आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं इससे यहाँ एग्री करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समानता की बात की थी और पीछे तक के व्यक्ति तक वो समानता पहुंचनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कोर्ट जो डिसीजन दे रही है वो ये कहीं नहीं बता रही कि वो किस तरीके से समीक्षा करने चाहती है, क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा मेरी जानकारी के अनुसार, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर की तरह देखना चाहते हैं, समीक्षा को, उस क्रीमी लेयर का आपके पास पैमाना क्या है? और उसके बाद अगर SC की सीट बचती है, नॉन सुटेबल कैंडिडेट हमारे सामने कितने केसेस आए हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई है अखबारों में, आप उठा के देख लीजिए, कहीं जहां भी आपको लगता है कि कैंडिडेट उनकी मोहरे में फिट नहीं बैठता, माफ कीजिएगा मैं ऐसा शब्द कर रही हूँ, या उनको लगता है कि अभी सीट भरी नहीं जानी है, वो नॉन सुटेबल कैंडिडेट करके बंद कर देते हैं उस सीट को, और उसको पता, उसके बाद उससे सीट का पता ही नहीं चलता। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो जो हमारा वो तबका जो पिछड़ा हुआ है, एक तरह से रिजर्वेशन का लाभ जिसको नहीं मिल रहा, मैं सहमत हूँ इससे, मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं जानबूझ के रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दर्शकों को ये क्लियर रहे और मेरे तमाम जो श्रोता है, जानने वाले जो मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि मैं इसका विरोध नहीं कर रही, लेकिन मैं सवाल यहाँ ये खड़ा कर रही हूँ कि जो सीट होगी और अगर उस तबके में से वो कैंडिडेट उस क्वालिफिकेशन को या असेंशियल जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पाता, तो वो सीट कहाँ जाएगी फिर? क्या वो सीट जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी? इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से रंजीत जी आपको 1 मिनट में और बताना चाहती हूँ, आपका श्रीकांत जी का टाइम भी मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना नहीं कोई चाहती नहीं, हूँ आप इसके लीजिए, आपके लिए टाइम है, कोई बात कारण। नहीं। तो जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं, अभी हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू होगा, तो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि इतने परसेंट SC का होगा, इतना ST, इतना OBC। लेकिन जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में भी आ रहा है और उसका एडमिशन आप जनरल कैटेगरी में दे सकते हैं, लेकिन आप उसको जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं देते, आप उसको SC कैटेगरी में रखते हैं। जब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लो साइंस डिपार्टमेंट है, उसकी जो आपने कट ऑफ रखी हुई है 99 है,
और एक लड़का एससी में भी 99 ले रहा है, और जो एससी का कट ऑफ है वो 97 है मान लीजिए, तो उसका तो 99 में ही एडमिशन हो रहा है, तो उसको एससी की सीट में क्यों दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एडमिशन होता है, अगर बाई चांस हमारे जैसा टीचर उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानते हुए उसको जनरल कैटेगरी में एडमिशन दे के भेज भी देता है, तब भी उसके एडमिशन को कंप्यूटर जनरल कैटेगरी में नहीं रखता, ये नोट करने वाली बात है। वो जनरल कैटेगरी की बजाय वो आपको देगा उसमें एससी कैटेगरी में, क्योंकि वो पूरे इस चीज को ध्यान से। अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या आप खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो जो सीट जो जनरल कैटेगरी में जो फाइट करके बच्चा आ रहा है उसको जनरल कैटेगरी में दिया जाना चाहिए। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप सामान्य का मतलब किसी भी कैटेगरी का है ना, सामान्य का मतलब अपर कास्ट नहीं है, या सामान्य का मतलब एक खास वर्ग जो हमेशा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक बौद्धिक सारी तरह से जो समर्थ है उसका मतलब नहीं है। जनरल कैटेगरी का मतलब है सामान्य वर्ग, सबके लिए समान। लेकिन हम प्रैक्टिकल में ये देखते हैं और हम ये लोग जानते हैं कि वो सीटें हमेशा जनरल कैटेगरी से भरी जाती हैं, ना कि एससी कैटेगरी से। ठीक है, दूसरी चीज मैं इसकी समीक्षा की बात कर रही थी, रिजर्वेशन का अभी जो आया है, आधे सेकंड में बस ये कहूंगी मैं कि जो कोर्ट का, हम न्यायालय का हमेशा आदर करते हैं, हमने हमेशा आदर किया है। मुझे लगता है दलित बहुजन समाज जितना आदर कोर्ट का करता है और संविधान का, जितना आदर कोर्ट का करता है उतना संविधान का भी आदर करता है, जितना संविधान का आदर करता है उतना ही कोर्ट का भी आदर करता है। तो वो जो कर रहा है तो एक तरह से उसके आदर का सम्मान करते हुए कम से कम ये डिसीजन देने से पहले ये कोर्ट हमें ये बताए कि वो समीक्षा किस आधार पे कर रही है। क्या रिजर्वेशन को खत्म करने का ये एक तरीका तो नहीं है? जिस तरीके के माध्यम से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या वही तरीका तो नहीं अपना रही? क्योंकि हम देख चुके हैं एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में देख सकते हैं, रोस्टर के मुद्दे के ऊपर हम देख चुके हैं, अभी हाल फिलहाल ओवरऑल रिजर्वेशन का जो मामला आया था उसमें भी बकायदा ये कहा गया कि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा वो रिजर्वेशन किस तरीके से लागू करती है। डॉक्टर श्रीकांत जी, आपके लिए ये नई बात मैं बता रही हूँ इस डिसीजन से पहले, कि ये भी आ चुका है कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है पिछले दिनों ही, इस डिसीजन डिसीजन से पहले, और ये रिजर्वेशन के एससी क्रिमिनल के अभी जो जो जिसका जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उससे पहले, ये दोनों ही एक तरह से इससे पहले ये आ चुका है कि आप ये स्टेट को दिया जाएगा, स्टेट तय करेगा कि उसको रिजर्वेशन अपने स्टेट में लागू करना है या नहीं करना। जी जी डॉक्टर कौशल पनवार जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो एक तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया एससी एसटी जो एससी स्टूडेंट और जनरल कैटेगरी का ना बीच में वो हमारी सीटें वैसे ही जाया जाती हैं, हम ऐसा ही कह सकते हैं कि जबकि एससी स्टूडेंट है वो जनरल सीट ले सकता है। तो आपने उस पॉइंट पर बहुत अच्छे से बताया, और आपने रिजर्वेशन का जो आज वो समीक्षा करने की कहते हैं कि उनको फायदा नहीं, आपने वो पॉइंट पर बार बार उसको हाईलाइट किया कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वो उस समीक्षा किस आधार पर हो उसके। तो श्रीकांत जी, हम इसी सवाल को मैं सिर्फ दो पॉइंट पर और जानना चाहता हूँ इस पर। एक तो मैडम जी ने ना उठाया कि एससी और जनरल सीट का जो यानी किस हिसाब से होनी चाहिए, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा इसको और भी ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करें। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बारे में, अगर उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वेलकम है। श्रीकांत बोरकर जी, देखिए रंजीत जी, अभी जो पनवार मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से शासक जातियों के लोग और खास तौर पर वो लोग जो प्रस्थापित है, जो परंपरागत शासक जाति के लोग हैं, वो एक इसका मसला बनाकर समीक्षा का इस शब्द का शब्द छल करके वो आरक्षण के खिलाफ पे प्रतिक्रिया को देना चाहते हैं और प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि एस सी एस टी ओबीसी को उनके हक मिले। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जब जब भी ऐसे मसले या ऐसे फैसले आते हैं, पहली बात तो आज का जो न्यायालय है वो न्यायालय नहीं, वो ब्राह्मण बनियालय बन चुका है। और ब्राह्मण बनिया चूंकि भारत की माइक्रो कम्युनिटीज माइक्रो माइनोरिटीज है, और वो परंपरागत तौर से उनके साजिशों के चलते, उनके तौर तरीकों के चलते वो सत्ता के पास में रहे हैं। तो अब अंग्रेजों के जाने के बाद उनके हाथ में सत्ता का स्थानांतरण हो गया, तो इसलिए किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में
खासतौर पर बहुसंख्यक लोगों की सरकार बनती है, लेकिन भारत में बहुसंख्यक लोगों की सरकार नहीं है, वोट बहुसंख्यकों का है, लेकिन सरकार माइक्रो माइनोरिटीज यानी कि ब्राह्मण बनिया जो 5% 7% से भी कम है उन लोगों की सरकार है। और इसके चलते ये जो माइक्रो माइनोरिटी की जो शातिर लोग है वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सतत बहुसंख्यक भारतीय जनता को लोकतंत्र को गिरफ वो किडनैप करने के लिए वो सतत बहुसंख्यक भारतीय जनसंख्या को जनता को प्रतिक्रिया में डालना चाहते हैं। ये फैसले आए, फैसले लोकतंत्र में आते हैं, विचार होता है, समीक्षाएं होती है, ये तो होती है, लेकिन किसी विशिष्ट वक्त कैसे आते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन शुरू है, सारी दुनिया बंद पड़ी है, लोग रस्ते पे नहीं आ सकते, लोगों की समझदारी है, लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह पेश आ रहे हैं और ये न्यायालय में बैठकर न्यायालय का फायदा उठाकर ब्राह्मण जस्टिस के माध्यम से ये फैसले दे रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा, साजिश ही नहीं, प्रतिक्रिया कर निर्माण करने वाली साजिश है। अभी पनवार जी ने बताया, अगर समीक्षा, मैं चाहता हूं कि अगर समीक्षा हो तो इस बात की समस्या हो, समीक्षा हो कि जो सामान्य का रिजर्वेशन है वो अभी पनवार जी ने बताया कि सामान्य का रिजर्वेशन सिर्फ सवर्णों का रिजर्वेशन नहीं है, या ब्राह्मण बनियाओं का, या दबंग जातियों का, या सधन जातियों के लिए रिजर्वेशन, सामान्य का मतलब है सर्व सामान्य। जो उन्होंने कटआउट की बात बताई कि अगर एससी के लिए 75% या 95% ये कट आउट है, और अगर किसी एससी की कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के या ओबीसी कम्युनिटी के बंदे को अगर 99% मिलते हैं या उससे ज्यादा मिलते हैं तो उसका समायोजन, उसका इंक्लूजन सामान्य में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिन मौके के जगहों पर ब्राह्मण बनियावादी और उनके जो लोग बैठे हुए हैं वो ये तय करते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, अलग अलग महकमों में, जो उन्होंने इंदिरा गांधी के चलते हुए जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के माध्यम से जो पेवस जो प्लांट किए हुए जो आरएसएस के ब्राह्मण अधिकारी है उन्होंने ये तय किया कि इस आरक्षण को नथी किया जाए। देखिए, किसी चीज को खत्म करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई आरक्षण की समीक्षा की जाए, आरक्षण खत्म की जाए, ये तो सिर्फ अफवाह है, हमारे प्रतिक्रिया को पैदा करने की उनकी हथकंड है, तो वो इसको कैसे खत्म किया। जी, मैं इस पर आपसे एक थोड़ा सा और ऐड मैं चाहता हूँ, जैसे यानी क्वेश्चन बनता है, मैडम ने भी बताया इसके बारे में कि ये सही भी है समीक्षा, ऐसा नहीं कि हम इसका वेलकम नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता है कि वो जिन जातियों को ऐसी यानी रिजर्वेशन में, जिन जातियों को उस रिजर्वेशन का जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? आपको नहीं ऐसा लगता है कि उसके लिए क्या, अगर आप क्या क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए उनके लिए कि ये सभी के लिए समांतर रिजर्वेशन मिले, तो आप क्या सुझाव करते हैं? आरक्षण के, आरक्षण का लाभ प्राप्त जातियों में कुछ ऐसी जातियां बनी है जो सतत आरक्षण का लाभ ले रही है और कुछ लोग छूट रहे हैं, ये मुद्दा बाद में आता है, पहले मुद्दा यह आना चाहिए क्या जो आरक्षण दिया गया है वो उन्होंने ईमानदारी से लागू किया? बैकलॉग नाम का एक शब्द आपने सुना है रंजीत जी, पिछले 50 सालों में बैकलॉग है, मद्रास सदन तमिलनाडु ये पहला स्टेट था जिन्होंने 63% ज्यादा आरक्षण लागू किया और वहां एससी एसटी ओबीसी में एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ खासतौर पर ओबीसी में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले बैकलॉग की समीक्षा हो, वो पूरा क्यों नहीं हुआ उसकी समीक्षा हो, और उसके बाद में अगर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संसदीय तरीके से अगर ऐसा तथ्य सामने आता है कि और कुछ जातियां हैं जो इसके लाभ लेने के लायक है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है तो उनके लिए प्रावधान किया जाए, उसके बारे में हमारी जो राय नहीं है, हो ही नहीं सकती। आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी किमान पात्रता लगती है। अगर आप चाहेंगे कि जंगलों में रहने वाला आदिवासी जो जिसने कभी जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसने म्युनिसिपालिटी से भी, म्युनिसिपालिटी में भी वो बीच में ड्रॉप आउट हो गया, वो तो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। आप उच्च आरक्षण का लाभ लेना है उच्च शिक्षा के, तो आपको उच्च शिक्षित होना पड़ेगा। तो आरक्षण का लाभ है नहीं, कोई ये कोई दान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी अनपढ़ आदमी को क्लर्क की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। ये तो मेरिटोक्रेसी का ये जो मुद्दा है, ये तो ब्राह्मणवादियों की फैलाई हुई अफवाह है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए श्रीकांत जी, मैं इसी में ये जो आपने बात उठाई है ना,
ये जो आपने बात उठाई है ना बैकलॉग के बारे में, जो यानी कि समीक्षा, इसकी भी बड़ी होनी जरूरी है ना। सो ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग है जो हमारे कई साथी है वो समझ नहीं पा रहे एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए मैं अगर कौशल पवार जी हमें इसके बारे में कुछ चंद लाइनों में बता सके, आखिर बैकलॉग का सिस्टम है जो इसको कैसे भरा जाए, ये क्या क्या स्थिति है, तो उसके बारे में अगर आप बताना जी जरूर आपका धन्यवाद करेंगे जी कौशल पवार जी। रंजीत जी जी मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि बैकलॉग का मतलब है कि जितनी हमारी सीट बनती है रोस्टर के अकॉर्डिंग, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे जितनी तमाम जितनी पोस्टें निकलती हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, या एडमिशन लेने का भी हो, तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उनमें जो सीट हमारी बनती है रोस्टर के अकॉर्डिंग, बेसिकली रिजर्वेशन की जो सीट आती है वो रोस्टर के अकॉर्डिंग आती है। हर एक प्रशासन ने हर एक फील्ड का अपना एक रोस्टर बनाया हुआ है। उस रोस्टर के तहत वो कौन सी सीट एससी को जाएगी, कौन सी एसटी को जाएगी, कौन सी ओबीसी को जाएगी, ओबीसी तो हालांकि बहुत बाद में आया है, ये कौन सी जनरल को जाएगी, ये रोस्टर तय करता है। उस रोस्टर के तय आधार पर ही पोस्टें निकाली जाती हैं, वो भरी जाती है। ठीक है, अगर जिस समय पे जो रोस्टर फॉलो करना था और जितनी सीट रोस्टर के अकॉर्डिंग बनती थी, अगर वह रोस्टर फॉलो नहीं किया गया और वो सीट, मान लीजिए एक मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज में टोटल सीट अगर 12 निकलती हैं, तो 12 सीट जो निकलती है अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जितनी एससी की सीट बनती है उसको एससी में जाना चाहिए, जितनी एसटी की बनती है उसको एसटी में जाना चाहिए, जितना ओबीसी की बनती है ओबीसी में जाना चाहिए। लेकिन बैकलॉग जिसको आप बोल रहे हैं वो ये है कि ये सीट ऐसे ना भर के, आपने जनरल की मान लो 5 भर दी, आपने एक एससी की भर दी, उसके बाद आपने नहीं भरी कोई, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट आया आपने फिर ऐसे ही किया, तो जो वो बंटवारा जो पीछे जो आपकी जो सीट थी वो तो आपने दी नहीं, आपने तो नेक्स्ट निकाल दी। ऐसे करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे, इसे हम बोलते हैं बैकलॉग। क्योंकि जो हमारे जब भी जब हमारा एससी में रिजर्वेशन जब से लागू हुआ, ओबीसी में रिजर्वेशन जब से लागू हुआ, उसके लागू होने के दिन से लेकर, और ये तमाम फील्ड में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं काम करते हुए आपको जैसे बता दूं कि रोस्टर में बहुत घालमेल होता है, जो भी पदाधिकारी उस वक्त होता है वो रोस्टर के माध्यम से ही, चालाकी शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ माफ कीजिएगा, हालांकि सभ्य शब्द इसको मैं नहीं मानती, लेकिन वो उसके माध्यम से ही खेल खेलता है जिसको हम लोग विरोध करते हैं। अब जैसे पिछले दिनों रंजीत जी जब आप मेरा परिचय दे रहे थे, आपने कहा था कि तमाम लोग प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर राजकुमार फुलवारिया, महेंद्र सिंह मीणा, आर सी मीणा, तमाम मेरे जो दोस्त थे राजेश झाजी, आदित्य नारायण मिश्रा, तमाम लोग, हम लोग जब अंग स्ट्राइक पे बैठे तो हमारी यही मांग थी कि रोस्टर को सही ढंग से फॉलो किया जाए। और आपने रोस्टर में जो हर जब भी पॉलिसी बनती है तो रोस्टर के माध्यम से खेल खेला जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग लगातार रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे, इसके बावजूद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई रिजल्ट हमारे सामने उस तरीके से नहीं आ पाया, रोका गया, लेकिन हम जो चाह रहे थे कि रिजर्वेशन को बाकायदा अनुसूची में डाला जाए, संविधान की अनुसूची बद्ध किया जाए, ताकि बार बार कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकार हो, कोई भी सरकार रोस्टर के मुद्दे पे कम से कम खेल ना खेल पाए, इसलिए हमारी मांग थी जो नहीं अभी तक मांगी गई। हालांकि आज सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत में है, वो चाहे तो कर सकती थी लेकिन अभी तक नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बैकलॉग यही है। अब ये तमाम चीजें भरी नहीं गई, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसका बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्वागत सोच समझ के नहीं कर पाए और सिर्फ एक ही लाइन जो वो चाहते हैं, जो कोर्ट चाहती है कि इनमें आपस में ही एक तरह से दरार पड़ जाए, फूट पड़ जाए, ये उसी तरीके का होगा। श्रीकांत जी शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, ये उसी तरीके से होगा जैसे जो अपर कास्ट का जो खेल दलितों के साथ होता है, तो यहाँ हम दलितों के अंदर जो दूसरी जो जातियां हैं वो करेगी हायरार्की, एक तरह से जिसको आप सेग्रीगेशन कहेंगे, जातियों का विभाजन कहेंगे, ये उसी तरीके से होगा। तो इसलिए हम कम से कम उस लाइन पे ना जाए जहां हमारा आंदोलन फूटता हो, क्योंकि ओवरऑल तो सीटें तो है ही नहीं ना, सीट आप निकाल ही नहीं रहे यूनिवर्सिटीज में, नौकरियों में कहां आप नौकरी दे रहे हैं, आप तो नौकरी तो दे ही नहीं रहे नंबर 1।
दूसरी चीज, नौकरियां जो बन रही हैं उसके आप उसके ऊपर आप गेम खेल रहे हैं। कभी आपने कहा कि सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ये कोर्ट का डिसीजन है। पिछला मैं उसमें डिबेट में भी थी, प्रोफेसर रतन लाल जी और हमारे बहुत सम्मानित वेद वेद जी वक्ता थे, जिसमें पैनलिस्ट में भी हम लोगों ने यही बात उठाई थी कि आंकड़ा आपके पास है नहीं, सरकार ये स्टेट गवर्नमेंट ये तय करेगी कि उसको अपने स्टेट में रिजर्वेशन लागू करना है या नहीं। एक तरफ से तो ये डिसीजन है, आप कंपैरिजन करके देखिए इसको। एक तरफ से तो आप ये डिसीजन दे रहे हैं कि स्टेट डिपेंड करेगा कि वो रिजर्वेशन लागू करे ना करे और कैसे करे। सुप्रीम कोर्ट स्टेट को ऑर्डर दे रही है, ये हुआ, ये ठंडा भी नहीं हुआ अभी तक। इसके ऊपर हम लोग बात ही नहीं कर पाए अभी तक प्रॉपर तरीके से कि ये हुआ क्या है। उससे पहले ही आप अब जब लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, वकील जहां बहस पे नहीं पहुंच पाते और जहां बस सोच समझ के निर्णय दिया जाना चाहिए, वहां फिर ये बिना मतलब समीक्षा का शब्द प्रयोग करके हम बीच में सिर्फ सीधा उसका मतलब जो हम निकाल पा रहे हैं वो ये कि एससी में क्रीमी लेयर को लागू करना, जबकि है नहीं है ऐसा। ये शब्दों का जाल है। मैं श्रीकांत जी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये शब्दों का जाल में मत उलझिए, क्योंकि वो जो उलझाना चाहते हैं, समीक्षा का मतलब यहाँ क्रीमी लेयर नहीं लागू करना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सोच समझ के शब्दों के माध्यम से बहुत सारी चीजें चलती है। कोर्ट का जो जो अभी हाल फिलहाल का जो एक तरह से रिपोर्टिंग आई है, रिपोर्टिंग है वो डिसीजन नहीं है, रिपोर्टिंग है कि वो समीक्षा कर, समीक्षा अखबारों ने शब्द प्रयोग किया, जो मीडिया में जो आया वो समीक्षा शब्द प्रयोग किया गया, जबकि सिर्फ कोर्ट ने इतना कहा है कि जो एससी हैं उनमें जो वंचित तबका है जिनको रिजर्वेशन का लाभ अभी तक नहीं मिला, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाना चाहिए। बट हाउ कैन दे इम्प्लीमेंट, दे आर नॉट टेलिंग अस, दैट्स आवर क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि ये भी क्लियर हो, डिसीजन से पहले हम लोगों को बकायदा ये तय करना पड़ेगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं कि होनी चाहिए, बिल्कुल हम भी सहमत हैं कि हमारा अगर एक भाई कमजोर है, और जो श्रीकांत जी के बल्कि शब्द को मैं थोड़ा सा माफी मांगते हुए थोड़ा सा इस पे बताना चाह रही हूँ कि हम ये शब्द, क्योंकि हमारे ही एसटी भाई हैं जो जंगलों में है, वो हमारी ही वजह से जंगलों में है आज तक। मैं मेरे बड़े भाई साहब है, मैं माफी मांगते हुए ये कह रही हूँ कि हमारा जो एक तबका है जो जंगलों में है वो हमारी वजह से ज्यादा है, बाकायदा गवर्नमेंट की पॉलिसी से और सरकार के या संगठनों के या तमाम जो प्रकाश है वो तो चाहती है सदियों से ही कि वो जंगलों में रहे, लेकिन ये हमारी भी कमजोरियां है कि हम उनको जंगलों से बाबा साहब अम्बेडकर तक क्यों नहीं ले पाए। हम नहीं भूल सकते कि संथाल का पूरा आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। हम बिरसा मुंडा के आंदोलन को नहीं भूल सकते। हम तमाम जो हमारे जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपने जीवन का बलिदान दिया है, उन बलिदानों को श्रीकांत जी हम नहीं भूल सकते। इसलिए ये हमारी विडंबना है कि हम उनको एजुकेशन स्ट्रीम तक नहीं ले पाए, और क्योंकि हम एजुकेशन स्ट्रीम तक नहीं ले पाए तो उनको रिजर्वेशन का लाभ भी नहीं मिलता। और मैं एक बात और आपको हैरानी के लिए बता दूं, ये रिसर्च का टॉपिक भी है, हमारे तमाम जो श्रोता सुन रहे होंगे मुझे, ये रिसर्च का भी टॉपिक है कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरा आंदोलन है, वहां पर भी एक एक निर्णय के वजह से कि उनको 1951 शायद है, 1951 से पहले का रेजिडेंस प्रूफ, और रेजिडेंस प्रूफ में भी लैंड का हाउस का जब जिसके पास नहीं है उनको एससी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। डॉक्टर साहब आप सोच के देखिए, आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ लैंड है हमारे पास, कहाँ हमारे पास घर के कागजात हैं। आप 1951 का मांग रहे हैं, महाराष्ट्र बना ही 1951 के बाद का है, तो आप सोच के देखिए माइग्रेटेड कहाँ माइग्रेशन नहीं है। बिहार के कितने लोग हरियाणा में काम कर रहे हैं, हरियाणा के कितने लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्या उनको अपनी जीविका और अपना संवैधानिक आधार जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो नहीं मिलना चाहिए क्या? जंगलों में रहने वाले लोग जो हमारे अपने भाई हैं एसटी के नाम से जिनको हम जान रहे हैं, जो जातियां ऐसी हैं जो एसटी में बहुत स्ट्रोंग जातियां हैं, वो सारी की सारी रिजर्वेशन का लाभ ले लिया। जो वो जातियां जिनको आज तक ये भी नहीं पता कि रिजर्वेशन है क्या, जिनके जिनके शिक्षा तक जिसके पास नहीं पहुंची, हम ये कैसे भूल जा सकते हैं कि 2008 में जब कंधमाल हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, एससी और एसटी के बीच में हुआ था। हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो हमें मैंने इसलिए मैं हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं बहुत कुछ श्रीकांत जी से सीखती हूँ, और मेरे अगर थोड़ी हॉट टॉक भी हुई होगी उसके लिए मैं भाई साहब से माफी मांग सकती हूँ। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने कमजोर तबकों को बराबर में लेकर आने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जो उनकी वर्डिंग है उस पे हमें फॉलो करने की जरूरत है। जो गरीबी असमानता जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष रहा है,
जिन्होंने हमेशा गरीबी कैसे मिटे, असमानता कैसे मिटे और सबको सामाजिक न्याय कैसे मिले, जिसके ऊपर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से लगा दिया, पूरे पूरे परिवार को दांव पे लगाया और तमाम मतलब भारत का इतिहास लिखा, आंदोलन का इतिहास लिखा, राष्ट्र निर्माण में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि आज विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं, उन पे हम कैसे चल पाएंगे अगर आप उन वंचित तबकों को आरक्षण का प्रतिनिधित्व का लाभ नहीं देंगे तो। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छे से बताया। आपने मैंने आपने तो एक शब्द बीच में चालाकी बोलते हुए भी थोड़ा कहा, लेकिन बाबा साहब ने तो इनको हरामी शब्द से भी संबोधन किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो श्रीकांत, इससे पहले मैं सभी साथियों को बता दूं, जो भी आज का प्रोग्राम चल रहा है, जहां से भी आप देख रहे हो, जिस भी पेज से देख रहे हो, कृपया उसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे विद्वानों की जो जो बातें बता रहे हैं, जो आज के दौर में कैसा कैसा हाल कर रहे हैं ब्राह्मणवादी मीडिया, ये बता नहीं रही है। ये मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, श्रीकांत जी ने। हम चाहते हैं कि इनके विचार दूर दूर तक पहुंचे। इस जहां से भी आप देख रहे हो, इसको देखना तो है ही है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो श्रीकांत जी, मैडम ने जैसा बताया, आपने बहुत अच्छे से महाराष्ट्र के बारे में भी मैं इन्होंने रंजीत थोड़ा जी मेंशन किया। आपसे माफी मांगते हुए एक शब्द कहना चाह रही थी कि अगर कोई सवाल आपके ऑडियंस में से आपके पेज पे अगर आप कोई खास सवाल हो तो आप सवाल भी ले सकते हैं एक दो जी सवाल, बिल्कुल, अगर ताकि किसी हमारी के भी कोई भी भागीदारी सवाल है तो वो मैडम का पेज है, वहां से भी लाइव है, और ग्लोबल आपके पे। अम्बेडकर राइट पेज है, वहां पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम बकायदा इसके जवाब देंगे। तो श्रीकांत जी, मैडम ने भी जैसे महाराष्ट्र का भी बीच में उदाहरण लिया, 51 का भी, और यानी कि इन अगर हम मैडम की बात को भी बीच में लेकर जाए, तो आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जहाँ कोई आप अलग से विचार रखते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं श्रीकांत जी। हाँ, धन्यवाद रंजीत जी। जैसा पनवार जी ने कहा तो मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ और सही कहा, थोड़ा सा जरा मिस कम्युनिकेशन ये हुआ है। देखिए, एससी एसटी ओबीसी रिलीजियस माइनॉरिटीज और जितने भी मार्जिनलाइज दबे कुचले तबके हैं, जो परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में रिसीविंग एंड पर है, शिकार है, उसका विक्टिम है, मार्जिनलाइज है, और शास्त्रों ने बताकर रेपर किया है, वो भी शास्त्रों के बताए हुए तौर पर भी मार्जिनलाइज है, तो ऐसे लोगों को संविधान के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि उन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, उनको विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का मुद्दा है बेटर, ऐसा बाबा साहब ने डेलीबेशन पे कहा है। अब ये प्रतिनिधित्व का मुद्दा अगर है तो कोई भी एक बंदा जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, समताधिष्ठित समाज के निर्माण करने में विश्वास रखता है, वो इस बात से कभी दो राय नहीं रखेगा। हर एक को मैंने जब वो मिसाल दी तो मिसाल थी न्यूनतम शिक्षा की। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वो चाहे एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, उनको भी न्यूनतम शिक्षा, न्यूनतम एक योग्यता हासिल करनी पड़ती है और फिर उनको आरक्षण लागू होता है। इसीलिए ब्राह्मण बनियाओं के जो प्रसार माध्यम है, उन्होंने जो मेरिटोक्रेसी की जो अफवाह उड़ाई है, उसके लिए मैंने मिसाल दी थी। मैं किसी भी एससी एसटी ओबीसी और स्त्रियों के भी आरक्षण के खिलाफ में कभी नहीं हो सकता, मैं कह ही नहीं सकता, आई कैनॉट, बिकॉज आई एम फाइटिंग फॉर द इगेलिटेरियन सोसाइटी। दूसरा मुद्दा बहुत अच्छा पनवार जी ने बताया कि ये देखिए, ये शासक वर्ग की ये जो चालाकी है, दरअसल वो हमको प्रतिक्रिया में ढकेलना चाहते हैं। एक तरफ तो जो लोग आरक्षण के लाभार्थी हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनके बारे में, उनके 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 दौरा उनके उनके दरमियान उनके उन लोगों में आरक्षण के बारे में जागरूकता नहीं है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर जब महिला आरक्षण का मुद्दा उठा था तो एक बहुत ही सुंदर लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र का चित्र हमको देखने को मिला कि ब्राह्मण बनियाओं की दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और साम्यवादी पार्टियां, ये सारे लोग आरक्षण, महिला आरक्षण के समर्थन में थी, लेकिन डीएसपी लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह, ये तीनों लोग ये उस महिला आरक्षण के खिलाफ में थे। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जहां ब्राह्मणवादी छद्म पार्टियां और सारे तरफ फैले हुए ब्राह्मणवादी महिला आरक्षण को सर्वकष इकट्ठा लागू करना चाहते थे, उसमें श्रेणियां उन्होंने निर्धारित नहीं की थी, क्योंकि महिला की बात अगर होती है, महिला वर्ग की बात अगर होती है, तो वो कोई एक ऐसा एक संघ, एक समान, इकट्ठा वर्ग नहीं है, उनमें भी श्रेणियां हैं।
एससी की महिला है, एससी वर्ग की महिला है, ओबीसी वर्ग की महिला है, एसटी वर्ग की महिला है, तो और रिलीजियस माइनॉरिटी वर्ग की महिला है, इन महिलाओं के लिए कुछ उसमें प्रावधान नहीं था। इसीलिए जो मायावती जी, लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी, ये लोग हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के दबंग नेता, ये उस आरक्षण के खिलाफ पे थे जिसमें महिला, कौन से वर्ग की महिलाओं को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, ये नमूद नहीं किया गया था। और इसका इसके पीछे का खेल ये था कि अगर महिला आरक्षण जैसा है वैसा लागू होता है तो जो ब्राह्मण वर्ग की महिला है, बनिया वर्ग की महिला है जिनमें शिक्षा का प्रमाण ज्यादा है, जो बाकी की जो महिला है, जो अशफ महिलाएं है जिनमें शिक्षा का प्रमाण ज्यादा है, उनकी जागरूकता का लेवल ज्यादा है, वो हमेशा सत्ताधारी रही है, तो अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता जैसा है वैसा है तो वो सिर्फ उन्हीं की महिलाओं को ज्यादा लाभ पहुंचाता, और बाकी की जो एससी एसटी ओबीसी की जो महिला है जो शिक्षा की मुख्य धारा में अभी अभी आना शुरू हुई है, ज्यादा हाई भी नहीं, उनको कम मिल जाता था, और इसलिए उनका हिस्सा भी वो बंदरबांट में, ये जो आरक्षण के बंदरबांट में वो खा जाते थे। तो ये वो मेरा मुद्दा था जो मैं बताना चाहता था, और इसीलिए हमको हमारे सारे बुद्धिजीवी वर्ग है इनको भी ये देखना पड़ेगा, इनको इस नैरेटिव को समझना पड़ेगा। आरक्षण सिर्फ ब्रेड एंड बटर का मसला नहीं है, वो प्रतिनिधित्व का मसला है, और हम लोकतांत्रिक होने के नाते किसी भी दबे कुचले वर्ग के प्रतिनिधित्व को उसको उससे वंचित नहीं करना चाहते। वी आर नॉट फॉर दैट, वी विल नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट। तो इसके लिए इस पर अगर कुछ ऐसे वर्ग है एससी एसटी ओबीसी में जिनको आरक्षण अभी तक उनको मिलना चाहिए, मिला नहीं है, ऐसा है तो उस पर साधक बाधक चर्चा होनी चाहिए, और ऐसा एक प्लान डिवाइस होना चाहिए कि उन तक भी ये उनका उनका प्रतिनिधित्व का मुद्दा, उनका हक उनको मिले, इसके बारे में दो राय नहीं है। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, आपने बहुत अच्छे अपना विचारों में अपना योगदान दिया मैडम के, यानी वो बात को थोड़ा क्लियर किया तो अच्छी बात है। और साथ में हम, मुझे लगता है कि इस विषय पर जो हमने रिजर्वेशन का विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उस पर जितनी सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है, जितनी उन्होंने अभी यानी कि मीडिया के जरिए हमें पता चला है, उस विषय को टच करने की मैडम ने बहुत अच्छे बहुत पूरी कोशिश की है और हमने लगभग जानकारी पूरी दे दी है। आगे अगर इसके बारे में अगर और भी कोई मीडिया या यानी ब्राह्मणवादी मीडिया या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय आएगा या और भी कोई अपडेट आएगी तो हम फिर मैडम पनवार जी को साथ में लेकर आएंगे और भी जानकारी इसके बारे में लेंगे। और आज के आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए कि अगर आज देखा जाए, अगर आज, क्योंकि मैडम भी राजधानी से है, देश की राजधानी है, वो देश का दिल कहा जाता है, तो वहां से मैडम है भी, वहां पर पढ़ा भी रहे हैं, तो हम मैडम चाहते हैं कि आप वहां पर बैठकर कैसे देखते हैं कि आज आज बाबा साहब के जो फूले अम्बेडकर विचारधारा का आंदोलन है, जो वर्तमान समय में कैसा है और कैसा हो और होना चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ चंद शब्दों में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? जी रंजीत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको हमें एक बार फिर से मानने के बजाय जानने की जरूरत है। मतलब आज जिस तरीके से, बहुत अच्छी बात है कि हमारे तमाम दलित बहुजन के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मतिथि को मनाते हैं। बाकायदा नागपुर में जो परिवर्तन की लहर एक आई थी उसको जानते हैं, मनाते हैं, और बाकायदा बुद्ध वंदना और तमाम जो जो पहलू हैं उन पे चर्चा, मतलब एक तरह से मानते हैं उनको। लेकिन हम कहीं ना कहीं जानने में अभी भी अधूरे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानने की ज्यादा जरूरत है। आप अगर आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानेंगे तो जिस तरीके से वो आज भी जो हमारे सामने प्रासंगिक हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा कैसे ऑल वर्ल्ड में ही कैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है उसका मुद्दा हो, या तमाम हमारे ऐसे फील्ड जो करेंसी चेंज करने का है, डिमोनेटाइजेशन का है, और दूसरे जितने भी हमारे सामने आ रहे हैं, रुपए की समस्या है, आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से पूरे विश्व की ही उथल पुथल है। हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन तमाम चीजों को बाबा साहब अम्बेडकर की जानने की जरूरत है, बजाय हम सिर्फ उनको एक तरह से मूर्तियों के माध्यम से स्थापित करें, वो भी एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन हम लोग जो खासकर मैं राजधानी में बैठे हुए जो देख रही हूँ आजकल, सिंबोलिज्म की राजनीति हम लोग ज्यादा करने लगे हैं।
एक सिंबल के रूप में हम एक तरह से करते हैं राजनीति, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो एक जो विचार की थी, वो मूल विचार की में जो जो परिवर्तन होना चाहिए, जो विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा मतलब साहित्य पूरा का पूरा आंदोलन पूरा का पूरा इतिहास ही पलट के रख दिया, वो उनकी सोच थी जो परिवर्तनकारी थी और समाज को आगे ले जाने वाली थी। वो सोच आज कहीं ना कहीं इतने आंदोलनों के बावजूद भी, वो सही बात है कि हम लोग इकट्ठे होते हैं, लड़ते हैं, मैं सल्यूट करती हूँ तमाम हमारे आंदोलनकारियों को। जब जब हमारा युवा आगे आता है तो सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ता है, और मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के मामले में भी सरकार पीछे हटेगी। समीक्षा अगर होगी तो वो हम लोग हमारे माध्यम से होगी, आंकड़ों के माध्यम से होगी, और वो तरीका कैसे होगा वो भी कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग ही तय करेंगे कि वो कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करवाएं, क्योंकि संविधान और भारत पर हक हमारा है। हम तय करेंगे कि हमने अपने भाईचारे को कैसे कायम करना है, हमने अपने प्रतिनिधित्व के सवाल को कैटेगरियों के बीच में कैसे लेके जाना है, सब कैटेगरी हम लोग उसमें बना सकते हैं, हम लोग तमाम चीजों को ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचार की है उसको जानने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि जो प्रतिनिधित्व का सवाल बाबा साहब अंबेडकर ने उठाया है, और आज जो कुछ लोग कोर्ट में पिटीशन के माध्यम से गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, बल्कि जो लोग पिटीशन में माध्यम से गए हैं, जिन्होंने रिट डाली है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत भी चर्चा आगे बढ़ाई है, वो एक तरह से मेरे लिए तो कम से कम बधाई के पात्र हैं। आरपी सिंह है भाई साहब, ओपी शुक्ला जी हैं, ओपी शुक्ला लिखते हैं लेकिन वो शुक्ला है नहीं असल में, है अपने ऐसे ही और टाइटल उनका शुक्ला है, और एसपी राय हैं, एक तो और तमाम लोग हैं, चार पांच लोग जिन्होंने कोटेशन ये रिट डाली है, और वो बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में। वो भी जानते हैं कि रिजर्वेशन का अगर ये रूप होगा तो सबसे पहले वही सड़कों पर उतरेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचार की को आज बहुत ज्यादा शिद्दत से जानने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से फोल्ड बनता जा रहा है ना बाबा साहब अम्बेडकर का, वो आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में ये कहूंगी कि आपने प्रतिमाएं देखी होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, पहले ऐसे होती थी संसद की तरफ उंगली, लेकिन धीरे धीरे आज मूर्तियों में और चित्रों में हमें ऐसे उंगली दिखाई देती है, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे वो उंगली ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे गई है, कैसे? ठीक उसी तरह जो उनका चेहरा है, जिसके ऊपर तेज था, जिसके ऊपर विश्वास की झलक दिखाई देनी चाहिए थी, वो आज विश्वास की झलक वाली मूर्ति ना दिखे हमें, बल्कि बिल्कुल मतलब दबी कुचली रोती गिड़गिड़ाती टाइप सी, अपने लोगों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो विचारधारा है, या उन्होंने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाबा साहब अंबेडकर के, अगर बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहीं लिखा है, हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि उन्होंने खुद के वर्डिंग है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे लगता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की खुद की राइटिंग है ये, क्योंकि मैंने तमाम वॉल्यूम को पढ़ा, 22 वॉल्यूम है, मुझे कहीं नहीं नजर आई ये लाइन, लेकिन फिर भी अगर हमारे लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को देख के हमें वो उनका चेहरा नजर आ रहा है, जबकि आप देखिए हमारे सामने जो उनका चेहरा है, फुल एकदम नीला कोट, नीली टाई, व्हाइट शर्ट, और उनका पूरा व्यक्तित्व ही, एक मिनट अगर देखे व्यक्ति तो देखता रह जाए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरे चाचा का जब चेहरा देखती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह का प्रकाश नजर आता है। माँ को देखती हूँ तो माँ अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह का प्रकाश नजर आता है। जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे को देखती हूँ तो जो सुकून, जो संतुष्टि, जो आगे बढ़ने की ललक, जो उन्होंने जो जितना किया, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनको बयान करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कुर्बान, हम तो हमारे बच्चे को बुखार हो जाए तो हालत खराब हो जाती है, और वो व्यक्ति जिनको पता लग जाता है कि मेरा बच्चा नहीं रहा, इसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि मैं करोड़ों दलित बच्चों के लिए एक बच्चे की कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं आ सकता। आप सोच के देखिए ना, मतलब वो भी तो व्यक्ति ही था, और इतना बड़ा सिंबल ऑफ नॉलेज, तमाम आर्थिक संसाधन जिसके पास हो सकते थे, तमाम सुविधाएं हो सकती थी, तमाम लोगों ने उनको अप्रोच किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए, मैं बस लास्टली ये कहना चाह रही हूँ कोट करते हुए, आपको याद है ना कि हम बाबा साहब अम्बेडकर एक बार रात को जगे हुए थे, जब गांधी जी उनके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि आप अभी तक सो रहे हैं, नहीं सॉरी गांधी जी नहीं आते, कोई और आते हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, हाँ जी 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 बिल्कुल, मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, आपने बता दिया, जब कहते हैं कि आप अभी तक जगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वर्डिंग याद करिए, मैं वही वर्डिंग याद करती हूँ हमेशा,
कि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जाग रहा हूं। आप सोच के देखिए, ऐसे सजग प्रहरी क्या भारत को कभी मिल सकते हैं? शायद कभी नहीं मिल सकते, न भूतो न भविष्यति। जी बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छे से बताया यानी कि ये कि आज आज के टाइम पर कैसा होना चाहिए अंबेडकर मूवमेंट, फुले अंबेडकर विचारधारा। बाबा साहब की कोटेशन भी आपने लिए, जो जिक्र किया आपने, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया उस पर भी कहा बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने हर चीज किस उपलक्ष्य में कही है ये समझना बड़ा जरूरी है जी कि हमारे लोग वो कहीं से उठाकर कहीं पर भी थेप देते हैं। सभी पढ़े लिखे, लेकिन अगर देखा जाए कांशीराम जी भी थे, वो भी एक पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी पढ़े लिखे लोगों ने आंदोलन भी शुरू किया है, ऐसी बात नहीं है। तो अलग अलग आंदोलन चीज है, हमेशा मध्यम तो वर्गीय हर करता है। बिल्कुल हर चीज हर बंदे पर लागू नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी, आपने बाबा साहब के जो पुत्र के उनके बेटे के नाम लिया, बिल्कुल जहां तक अगर मैं नहीं गलत हूँ तो बाबा साहब तभी गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले थे, जा जी रहे मैं थे जब वही उनको कहना पता चाह रही चला हूँ, कि हाँ, बिल्कुल जब जी, कि उनको मैं पता चला गोलमेज कि उनका सम्मेलन से पीछे नहीं बेटा हट सकती। पूरा हो गया, तो यानी कितना जी बड़ा जी त्याग रहा बाबा साहब का कि पास में हमारे पिताजी के जहाँ कोई और बीमार हो तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनका तो जी बेटा पूरा हो गया था, उसके बावजूद भी वो हमारे हकों के लिए लंदन में गए। तो श्रीकांत बोरकर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इसके बाद हमें सिर्फ एक मैसेज लेंगे इसके बाद, तो हम अगर आज की, क्योंकि जैसे मैडम देश की राजधानी में बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं लंदन एक दुनिया की राजधानी कह सकते हैं हम, तो आप वहां पर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट सिस्टम है, वहां से शुरू हुआ, बाबा साहब ने भी यहाँ से बहुत हमें हक लेकर दिए हुए हैं, आप वहां पर बैठकर देख रहे हो, तो आप कैसे सोचते हैं कि अंबेडकर विचारधारा है जो आज आज के टाइम पर वो कैसी कैसा चल रहा है उसका विचारधारा, और कैसी और सुधार होना चाहिए, अगर कम शब्दों में आपने बताना हो तो कैसे बताएंगे? जी श्रीकांत बोरकर जी। रंजीत जी, मैं कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन दो पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा इस कम से कम शब्द में। पहला ये कि रिजर्वेशन के मद्देनजर मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा याद आया, जैसा कि पनवार, डॉक्टर पनवार जी ने कहा कि हमको हमारे जो साथी समाज है, जो दबे कुछ ज्यादा दबे कुचले, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो उनके लिए, उनके हक के लिए तो खड़ना ही पड़ेगा, और हम उसके उनके लिए खड़ेंगे और उनको भी मिलना चाहिए, इसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये मैं बताना चाहता हूँ उसके संदर्भ में, वो ये है कि आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के जवाई ने और महाराष्ट्र में कांग्रेसियों ने, दोनों कांग्रेस ने और उत्तर भारत में भी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ये रिजर्वेशन का कार्ड खेला है, जिसमें उन्होंने रिस्पेक्टिवली आंध्र प्रदेश में माला मादिगा, महाराष्ट्र में महार मातंग और उत्तर प्रदेश में जाटो वाल्मीकि, ये कम्युनिटी जिनका पोलराइजेशन होना शुरू हो गया था बहुजन आंदोलन के चलते, उनको तोड़ने के लिए भी इस मुद्दे का इस्तेमाल किया। इसके लिए हमारे बुद्धिजीवी, जैसा महाराष्ट्र में गेल ऑम्बेट है जो काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे आंदोलन से जुड़ी हुई, तो वो भी इस पर बहुत सालों से काम कर रही है कि भाई जो डिस्प्यूटेड जो कम्युनिटीज है उनको भी हक मिलने चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसके बनिस्बत की ब्राह्मणवादी बनिया या ब्राह्मणवादी न्यायालय या न्यायाधीश इस पर काम करे, हमारे बुद्धिजीवियों ने मिलकर आकर इस पर काम करना चाहिए, और हमारा एक पोटेंशियल मसौदा सरकार को सौंपना चाहिए कि भाई अगर कुछ होता है तो इस तर्क पर हो, क्योंकि हमारे लोग अगर आते हैं, हमारे बुद्धिजीवी अगर आते हैं, तो वो देखेंगे कि भाई हमारे एक ही में उसमें 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 खराबी ना आए, हमारी एकता में खराबी ना आए। ये एक मुद्दा है। दूसरी बात जो बाबा साहब को जानने की बात है, मानने के बजाय, मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आई एग्री टोटली विथ वॉट डॉक्टर पनवार हैज सेड। जो भी बाबा साहब को इमोशनल तौर पर जानते हैं, जो भी इमोशनल तौर पर मानते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक सिंबलिज्म हो जाता है, वो एक टोकनिज्म हो जाता है कि जय भीम बोलो और किधर भी चलो, ऐसा महाराष्ट्र में एक कहावत है। लेकिन अगर उनको जानने की जब हम कोशिश करते हैं, तो हमको उनको पढ़ना पड़ता है, जिन संदर्भों में बाबा साहब ने बातें कही है उन संदर्भों को जानना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम लेना पड़ता है। जो बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं, वो अभी जब मैं जानने वालों में से खुद को समझता हूँ, मैंने जब बाबा साहब का जो रानाडे गांधी और जिना में उन्होंने जो कार्लाइल नाम के एक इंग्लिश फिलोसोफर का जो उदाहरण दिया है कि व्यक्ति पूजा किसी भी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक जीवन में अधोगति का, सामाजिक अधोगति का कारण हो सकती है, तो इससे मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ कि कहीं, और इस बात पर हम गौर करते कि बाबा साहब क्या व्यक्ति पूजा तो नहीं कर रहे,
तो इसके लिए हमारे जो जानने वाले लोग हैं, उन्होंने मानने वाले लोगों में बाबा साहब के लोकोत्तर समाज, समताधिष्ठित समाज निर्माण करने का जो प्रोग्राम था, उनका आंदोलन था, उसके ऊपर सतत जागृति करनी चाहिए। और ये जागृति कर बाबा साहब का जो एक महिमा मंडन हो रहा है, जैसा जब जयंती पुण्यतिथि आती है तो बाबा साहब कितना महान थे ये बताने के बजाय, मेरा खुद का एक व्यक्तिगत क्राइटेरिया है, मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि आज बाबा साहब होते तो क्या करते। इससे बाबा साहब का मानवीय स्वरूप तो रिटेन रहता ही रहता है, लेकिन बाबा साहब के जो विचार थे, जो प्रैग्मेटिक विचार थे, बाबा साहब प्रैग्मेटिक थे, बाबा साहब लोकतांत्रिक, बाबा साहब सांसदीय लोकतांत्रिक या सोशलिस्ट से भी ज्यादा बाबा साहब प्रैग्मेटिक थे। और प्रैग्मेटिज्म की दीक्षा उनको उनके जो अमेरिका के विश्वविद्यापीठ में जो उनके गुरु थे, उनको जो जिन्होंने सिखाया था, प्रोफेसर जॉन डुई, उनसे उन्होंने ली थी, और वो उसके बारे में जॉन डुई से बहुत प्रभावित थे। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि भाई कल के मेरे पूर्वसूरी लोगों ने क्या किया, उसके बारे से आज करना क्या जरूरी है। इस दृष्टिकोण से वर्तमान जीवन की जो मुकाब जो जो परेशानियां है, जो मसाइल मसले हैं, उसके ऊपर आज के दृष्टिकोण से उसके ऊपर उपाय योजना करना, ये प्रैग्मेटिज्म की सबसे बड़ी निशानी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संदेश भी ये है, और जो लोग बाबा साहब से इमोशनली इन्वॉल्व है, उन लोगों को इमोशन को थोड़ा बाजू में रखना चाहिए। ऐसे कुछ ग्रुप ऑनलाइन और बहुत सारे दुनिया में उभर रहे हैं, अगर बाबा साहब को हम कल्ट की तरह, एक व्यक्ति की तरह पूजेंगे, तो फिर उनके विरोधक उसका फायदा उठाएंगे और वो बाबा साहब का उनके ऊपर मर्स लिगिंग करेंगे। तो ऐसे कुछ ग्रुप भी है जो बाबा साहब के खिलाफ में लिख रहे हैं, जो किसी बड़े बाबा साहब के समकालीन नेता के व्यक्तिगत पारिवारिक रंजिश को चलते बाबा साहब के ऊपर तोहमते लगाते हैं, उन पर बहुत एक आरोप लगाते हैं। बाबा साहब जब जिंदा थे तब गांधी, ब्राह्मण, बनिया सारे लोग उनके खिलाफ में थे, उनके औलाद भी शौरी हुआ, शौरी के बाद में और शौरी के बच्चे हैं, जो शौरी की तरह बाबा साहब ने जिन सवालों का जवाब भी दे दिया, फिर भी उन्हीं को रिगर्जिटेट करते रहते हैं। इसके लिए समताधिष्ठित समाज, सामाजिक आंदोलन चलाने वाले हमारे जो लोग हैं, परमार, डॉक्टर परमार जी जैसे, और बाकी भी आप भी लोग, आप लोगों को, हम सभी लोगों को चाहिए कि हम डेलिबरेटली, सिस्टमेटिकली बाबा साहब के प्रैक्टिकल विचारों को वर्तमान संदर्भ में जनता के सामने रखे, और सारे राष्ट्र को बनाने का उनका जो सपना था वो पूरा करने का प्रयास करें। जय भीम, जय भारत। जी श्रीकांत जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, आपने बहुत यानी कि एक्चुअली बाबा साहब के मिशन को जो सिंबल के टॉप हिसाब से नहीं होना चाहिए, हमें बाबा साहब ने जैसे उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी विचारधारा है, उसको समझते हुए हमें कैसे वर्तमान में कैसे उसको अपनाना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उनके आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो मैं ज्यादा, हमारा क्योंकि प्रोग्राम लास्ट है, हम लास्ट में सिर्फ मैडम से और श्रीकांत जी से सिर्फ एक एक मिनट में, हम चाहते कि एक एक मिनट में अपनी बात रखे। आज की जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको आपने अगर सिर्फ एक मिनट में कंक्लूड करना है और साथ में अपना संदेश सभी जितने भी आपके सुनने वाले, आपको चाहने वाले, उनको देना है, तो जरूर दीजिए। कौशल पवार, डॉक्टर कौशल पहले डॉक्टर श्रीकांत जी देंगे, आपकी बार उनको जी। पहले बताइए, ठीक हमारे है बड़े भाई डॉक्टर साहब श्री, छोटों को बाद में बिल्कुल देना बिल्कुल चाहिए मौका। देखिए बिल्कुल बनवाल डॉक्टर जी, हम श्रीकांत जी, अभी अभी हम इंग्लिस्तान में बैठे हैं, और यहाँ का एटिकेट कहता है कि लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं कोई नहीं श्रीकांत भाई जी, आप करिए जी जी शुरुआत। अच्छा जी, ठीक है जी, तो जी मैंने जो कंक्लूड पूरी का करते तरीका हुए बताया, आपने मैसेज देना। हाँ मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी है, वो बहुजन समाज के जो बाकी के जो कम्युनिटीज है, और जो SC ST की भी जो बाकी की कम्युनिटीज है, उन तक पहुंचने की कोशिश करें। और जब तक उन लोगों को संविधान उनके लिए है, बाबा साहब ने उनके लिए जो काम किए उसका एहसास नहीं होगा, तब तक वो लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे। बाबा साहब का हर एक काम, उनका हर एक कृति कर्तृत्व, ये भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की तरफ था, किसी एक विशिष्ट समाज के लिए नहीं। भले ही बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दबे कुचले, जो ज्यादा दबे कुचले लोग हैं उनके हक के लिए लड़ना, लेकिन फिर भी बाबा साहब की जो कृति दिखी जाए, उन्होंने एक कहा एक बात है, एक संदर्भ में कहा था, एक वक्त कहा था, लेकिन उसके बाद में बाबा साहब का जो, जैसे लिनार जेलियट जो है, उन्होंने बाबा साहब के जीवन का और उनके कार्यकाल के 3 कालखंड निश्चित किए हैं, जिसमें वो पहले रीजनल रहते, बाद में नेशनल हो जाते हैं, और फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। तो बाबा साहब का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप आज फैल रहा है, जैसा कुछ दिनों पहले कनाडा के एक बर्नबे शहर ने बाबा साहब के जन्मदिवस को सभ्यता दिवस के तौर पर मनाने की पेशकश को मान्य किया है।
थेनमोजी सौंदरराजन, जो एक हमारी अंबेडकरी नवयुवती है अमेरिका की, उन कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है अंबेडकरी, उनके प्रयासों के चलते यूएस के कांग्रेशनल कमेटी ने भी, वहां के सिनेटर लोगों ने भी ये बात को मनोनीत किया कि बाबा साहब के जन्मदिवस को, आने वाले जन्मदिन को किस अच्छी तरीके से मनाया जाए ताकि उनके मानवतावादी विचारों का प्रचार पूरे दुनिया में हो सके। तो ऐसे बाबा साहब के जो तीन उनके व्यक्तिमत्व और कार्यकाल के आयाम है, उस पर काम हो रहा है। अब काम जो बाकी है वो ये है कि हमारे बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वो बाकी केसेस, जो ओबीसी बहुजन समाज जिनको कहते हैं, उन लोगों तक बाबा साहब का विचार पहुंचाए, उनके लिए उनको क्या किया गया, और यही सबसे बड़ी आदरांजलि उनके प्रति हमारी हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी श्री कम डॉक्टर कौशल पवार जी, आप इसमें आप आज के प्रोग्राम की पूरी चर्चा को अगर कंक्लूड करना चाहते हो कि आपने जो भी कहा है, तो हमारी जितनी भी चर्चा रही श्रीकांत सर जी ने भी जो बताया, तो उसको कंक्लूड करते हुए और आखिर में आप साथ में मैसेज भी क्या देना चाहते हैं, तो प्लीज डॉक्टर कौशल पवार जी। मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती पूरे वर्ल्ड में जो मनाई जा रही है, आपका जो चैनल ग्लोबल अम्बेडकर जयंती मना रहा है, उसके लिए आप सबको बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती की आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, आदरांजलि उनके पद चिन्हों पर हम लोग चाहें। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही, आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोगों को रूबरू करवाया डॉक्टर श्रीकांत जी से, और आपके बीच में विचारों को सुनते हुए तमाम आपके श्रोतागण और दर्शक, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसी को आगे बढ़ाते हुए दो लाइन मैंने लिखी है, उन्हीं में से मैं अब इस चर्चा का एक तरह से आदरांजलि करना चाहती हूँ। अगर हम एक हैं तो हमें कोई डरा नहीं सकता, अगर हम एक हैं तो हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये मैं समर्पित रिजर्वेशन के मुद्दा जो बड़ा संवेदनशील है उसके तहत भी ये बात कर रही हूँ कि हमें बहुत ठहर के, बहुत सोच समझ के इसके ऊपर निर्णय लेने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम अपने ही हाथ जला बैठे। मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोगों से, हमारे SC ST OBC से, जो बाबा साहब का जो एकता का संदेश जो बाबा साहब ने दिया था, संगठित होने का जो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, वो आज और ज्यादा हमें उस संगठन की, उस संगठित होने की जरूरत है। अगर हम संगठित होंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय जय भारत। आपके दर्शकों को, जी आपको डॉक्टर श्रीकांत जी को मेरा जय भीम, जय भारत। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, मैं तमाम दर्शकों को ये कहूंगी कि डॉक्टर ग्लोबल अम्बेडकर पेज को लाइक करें और उस पे ज्यादा से ज्यादा सवाल लेके आए, चर्चा लेके आए, ताकि और सार्थक ये बहस हो। श्रीकांत जी जैसे, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, हमारे जैसे लोग भी आपके नहीं चैनल पे नहीं आए, आप बहुत बड़े हैं, आप भी हमारे हम लिए, लोग ऐसी बात नहीं। ऐसे ही इस कारवा को आगे बढ़ाते रहें। जी शुक्रिया। तो बिल्कुल आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, आप जैसे यानी कि फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर आपने हमें टाइम दिया, ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। तो साथ में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये ग्लोबल अम्बेडकर प्लेटफॉर्म है, इस पर कभी भी कोई भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि वो फूले अम्बेडकर विचारधारा को फैलाने में योगदान दे और उससे संबंधित ही हो। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हम डॉक्टर कौशल पवार जी से ज्यादा, क्योंकि हमें पता है आने वाले समय में, अभी तो कोरोना है, कोरोना की वजह से सभी घर में हैं, आगे आने वाले समय में शायद इनके पास टाइम ना भी होगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि मंथ में एक दिन है, ये एक घंटा है जो हमें जरूर दे। तो ऐसे ही हम और भी बुद्धिजीवियों के साथ आपको आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे, ताकि जो एक दूसरे को, सभी रूबरू होंगे तो विचार वटांदरा होगा, विचार एक दूसरे तक पहुंचेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो हमें लगता है कि हम मिशन को और भी आगे लेकर जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।